हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे सो आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिन कोला स्क्लेपोरा ग्रेमिनिकोला एक बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्लेरोस्पोरा जनरली बेसिकली करती क्या है इट कॉजेस डाउनी मिल्ड्यू ठीक है ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करती है किस पे बाजरा में बाजरा में इट कॉजेस डाउनी मिल्ड्यू डिजीज डाउनी डिजीज और इसका दूसरा नाम है ग्रीन डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इसका कॉमन नेम है स्क्लेरोस्पोरा स्कोरोकोला कौन सी डिजीज करती है सो इट कॉजेस ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा ठीक है सो स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे सिम्टम्स हमें डाउनी मिल्ड्यू के देखने को मिलेंगे आप लीफ की लोअर सरफेस पे इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ब्राउन ब्राउन कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे और ये होंगे फर्स्ट स्टार्टिंग के सिम्टम फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फंगस का इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा हमें देखने को मिलेगा ये ग्रीन ईयर आप देख रहे हैं जो कॉब होता है ठीक है जहां से जहां पे सीड्स लगेंगे जहाँ पे फ्रूट बनेगा वहां पे क्या होगा फंगस का इन्फेक्शन इतना बढ़ जाएगा कि वहां पे हमें ग्रीन कलर के ऐसे ईयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ठीक है सो स्टार्ट so करते हैं वीडियो देखो सबसे पहले अगर हम इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन देखें तो डिवीज़न इट बिलोंग टू डिवीज़न माइकोटा ठीक है ये तो आप लोगों को पता ही है इतनी सारी फंगस की लाइफ साइकिल आप पढ़ के आ गए कि कोई भी फंगस है वो कहाँ से बिलोंग करती है डिवीज़न माइकोटा सब डिवीज़न यू माइकोटीना क्लास ऊ माई है तो ये ध्यान में रखना है कि सारे कैरेक्टर इसमें किसके जैसे होंगे जो जो उमाइसिटीज फंगस है जो उनमें देखे जाते हैं कैरेक्टर उस तरीके के कैरेक्टर तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे स्पेशली हमें यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलेगा ऊ गैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ये बात ध्यान में रखना है ठीक है उमाइसिटीज फैमिली के जो जो कैरेक्टर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसीलिए यहाँ पे ऊ गैमस टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा ठीक है ऑर्डर फैमिली प्रूनोस्पोरेसी जीनस स्क्लेरोस्पोरा और स्पीसी कोला और एक बात ध्यान में रखना आप बीएससी के बच्चे हैं या एमएससी के स्टूडेंट्स हैं कभी भी, नेम, किसी भी प्लांट का फंग, या फंगस का कोई किसी की भी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो उसमें जो बॉटनिकल नेम होगा उसमें जीनस का नेम की स्टार्टिंग होगी कैपिटल लेटर से और स्पीसीज की स्टार्टिंग होगी स्मॉल लेटर से जैसे यहाँ पे स्क्लेरोस्पोरा है तो एस सी एल ई आर ओ एस पी ओ आर ए जैसे ये है तो हमने इसका जीनस का नेम कैपिटल एस से लिखा है और हम उसको अंडरलाइन करेंगे फिर स्पीसीज का नेम हम लिखेंगे ग्रेमिनी कोला और उसको हम स्टार्टिंग करेंगे स्मॉल लेटर से और उसको भी अंडरलाइन करेंगे ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप अपने एग्जाम में जल्दीबाजी में लिखना भूल जाते हैं ठीक है अगर आपने ये कर दिया तो सीधे सीधे वन और टू मार्क्स तो यहाँ से डिटेक्ट हो भी जाएंगे आपके ठीक है तो आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन लेवल पे हैं मास्टर्स लेवल पे हैं तो इतना तो एग्जामिनर आपसे सोच सकता है आपको कि आपको इतना पता होगा ठीक है सो so, अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ बाजरा इज डाउनी मिल्ड्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया जिसको हम ग्रीन ईयर डिजीज भी बोलते हैं जो कि थ्रू किज होता है कॉज द फंगस स्क्लेरोस्पोरा स्क्ले ये बहुत छोटी सी लाइफ साइकिल है इसकी ज्यादा कुछ है नहीं इस पर ठीक है ऑल स्पीसीज ऑफ स्क्लेरोस्पोरा आर ओब्लिकेट पैरासाइट आपको क्या याद रखना है कि स्क्लेरोस्पोरा की जितनी भी स्पीसीज होती है वो सारी ओब्लीकेट पैरासाइट होती है ओब्लीकेट का मतलब होता है ट्रू ट्रू पैरासाइट ये ट्रू पैरासाइट्स की तरह रहेंगी प्लांट में ठीक है और बेसिकली ये डिजीज किसमें कॉज करती है ऑफ द फैमिली ग्रेमिनी जितने भी ग्रेमिनी के मेंबर होंगे ठीक है कोई सी फैमिली के जो मेंबर होंगे जैसे वीट हो गया बाले हो गया राइस हो गया उनमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है ठीक okay, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप लिखिएगा अपने एग्जाम में सिम्टम अगर इसके देखिए तो हमें दो तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं ये ऑलरेडी ये भी मैं स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ पहला सिम्टम हो गया डाइनी डाउनी मेलड्यूड जो कि आपको लीव की लोअर सर्फिस पे देखने को मिलेगा ठीक है द लोअर सर्फिस ऑफ द लीव गेट कवर्ड बाय द डाउनी ग्रोथ ऑफ द फंगस ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये ठीक है ये फंगस की ग्रोथ है फंगस का इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहा है सेकेंड सिम्टम हमें देखने को क्या मिलेगा कि यहां पे हमें ग्रीन ईयर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा इन विच द ईयर इंड कॉप्स ये ये स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो दैट मीन वो बा, बाजरा का जो वो प्लांट है वो इन्फेक्टेड है थ्रू स्क्लेरोस्पोरा स्लेरोला आप नेचर में भी कभी देखें तो ध्यान रखिएगा अगर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आप देखिए उसको एग्जामिन कीजिए कि वो स्क्लेरोस्पोरा का इन्फेक्शन तो नहीं है अब इसका अगर हम थैलस देखें थैलस जो होता है इसका यू होता है ठीक है मेरे स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि यू कार्पिक फंगस क्या होती है और होलो कार्पिक फंगस क्या होती है और माइसीलियम इसका क्या होता है वेल well डेवलप्ड होता है फिलामेंटस होगा सीनोसिटिक होगा और ब्रांसड होगा ठीक है ब्रांच एसेप्टेड हाइपी इसमें हमें देखने को मिलता है माइसीलियम किस तरीके से होगा वो फिलामेंटस होगा वेल well डेवलप्ड होगा सीनोसेटिक होगा ब्रांसड होगा और एसेप्टेट होगा फ जो फंगस अपना नरिशमेंट लेती है हाइफी का फॉर्मेशन करता है बाद में फिर हॉस्टोरियम का फॉर्मेशन करता है ठीक है के लिए तो जो फंगस होती है लेती है अपना नरिशमेंट लेती प्लांट से थ्रू बटन शेप और फिंगर शेप हॉस्टोरिया इन केस ऑफ स्क्लेरोस्पोरम या स्क्लेरोस्पोरिया फंगस में हमें क्या देखने को मिलता है ऐसे करके बटन शेप का या फिर फिंगर लाइक हमें हॉस्टोरिया देखने को मिलता है ये साइड में अपने जहां पे भी आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे या एग्जाम में लाइफ साइकिल बनाएंगे तो इस तरीके से बताना कि जो हॉस्टोरिया होगा वो बटन शेप का होगा इसको हम बटन शेप बोलेंगे और ये क्या होगा आपका फिंगर लाइक होगा ठीक है दो तरीके का हमें हॉस्टोरिया देखने को मिलता है अब से आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन में हमें इसमें ए और सेक्शुअल प्रोडक्शन देखने को मिलता है ए सेक्शुअल ऑलवेज कब टेक प्लेस करता है जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन होती है ठीक है जब फंगस को प्रॉपर होस्ट मिल रहा है प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिल रही है सब कुछ खाना वाना सब अच्छे से मिल रहा है तो वो ए भी वहां पे क्या करेगा फटाफट फटाफट रिप्रोड्यूस करेगा ए सेक्चुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है स्पोरेंजिया के थ्रू होता है जो स्पोरेंजिया कहाँ पे बनते हैं स्पोरेंजियो फोर्स में बनेंगे ये आप स्पोरेंजिया देख सकते हैं ठीक है और ये स्पोरेंजिया कहाँ पे बन रहे स्पोरेंजियो फोर पे बन रहे हैं ठीक है ये है आपका स्पोरेंजियो फोर जिस स्पुरेंजियो फोर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर क्या बनेंगे स्पोरेंजिया बनेंगे ये स्पोरेंजिया फिर डिटैच हो जाएंगे जब उनमें कोई प्रेशर पड़ेगा लीफ में कोई एनिमल का मूवमेंट होगा इंसेक्ट का मूवमेंट होगा उसके थ्रू स्पोरेंजिया क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज होगा ठीक है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनेंगी वहां पे और हर एक सेल क्या बनाएगी एक जूस फोर का फॉर्मेशन करेगी फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है क्लीवेज हुआ इस पे ये एक सेल है प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज का मतलब इसका जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें डिविजन होगा ठीक है प्रोटोप्लास्ट में डिविजन होगा और फिर हर एक सेल जो हर एक सेल है क्लीवेज के बाद जो एक एक सेल बनी है ये एक सेल बनी है ये एक सेल बनी है ये एक सेल क्या करेगी एक जूसपोर बनाएगी ठीक है जूसपोर का फॉर्मेशन होगा और इसकी जो वॉल होगी ये वॉल क्या हो जाएगी बर्स्ट आउट हो जाएगी और ये क्या होंगे जूसपोर बाहर रिलीज हो जाएंगे ये आप देख रहे हैं जूसपोल जूसपोर हमेशा क्या होते हैं ए सेक्शुअल स्ट्रक्चर होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जूसपोर ठीक है वो हमेशा बाइप्लेजिलटेड होंगे वो फ्लेजिला की हेल्प से मूव करेंगे और वापस से क्या करेंगे लीफ में इन्फेक्शन करेंगे ये बाजरा की लीफ है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपको सिम्टम दिख रहे हैं उसमें वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे फिर ये है होस्ट की सेल लीफ के अंदर हम देखेंगे तो अंदर अंदर उसका हमें इंट्रासेल इंटरसेल्यर उसका माइसीलियम देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया ये थर्ड हो गया ये फोर्थ हो गया ये फिफ्थ हो गया एंड ये सिक्स एंड सेवन ठीक है इन्फेक्टेड प्लांट आपने लिया उसमें आपने देखा उसके लीफ पे आपको अंदर उसका माइसीलियम देखने को मिलेगा स्पोरेंजो फोर देखने को मिलेंगे स्पोरेंजो फोर में स्पोरेंजिया लगे होंगे स्पोरेंजर क्या होंगे रिलीज होंगे एनवायरमेंट में उनमें प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज होगा जूसपोर का फॉर्मेशन होगा जूस फोर मेच्योर होंगे और फिर वापस से वो किसी न्यू होस्ट और न्यू प्लांट को क्या करेंगे

ठीक है यहाँ से स्टार्टिंग होगी ये होगा आपका इन्फेक्टेड होस्ट यहाँ पे क्या बनेंगे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा सेकंड मैंने लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट जब होगा तब क्या होगा जो हाईफी होता है उसमें क्या होता है एट द टाइम ऑफ सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन वहां पे सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे तो एक हाइफी के कुछ पार्ट एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करेंगे कुछ पार्ट ऊगोनियम का फॉर्मेशन करेंगे ठीक है सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा सेप्टा फॉर्मेशन और कुछ पार्ट क्या उसका जो कंटेंट होता है उसमें हमें उगोनियम का जो कंटेंट होता है वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये उगोनियम होगा और इसका जो कंटेंट होगा उसमें डिफ्रेंशियशन देखने को मिलेगा कि बाहर वाला पार्ट तो हमें क्या देखने को मिलेगा पेरी प्लाज्म थोड़ा सा डेंस होगा और अंदर वाला पार्ट होगा ऊप्लाजम ठीक है अंदर वाले पार्ट को हम बोलेंगे ऊ प्लाज्म जहां पे एक का फॉर्मेशन होगा और बाहर वाले पार्ट को हम बोलेंगे पेरी तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ऊगोनियम है यहाँ पे हमें पेरी और ऊ देखने को मिल रहा है और ऊ के अंदर वहां पे हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड ऊ स्पोर देखने को मिलेंगे बट सिर्फ एक फंक्शनल रहता है

है मैंने सेप्टा होगा कंटेंट ऑफ़ ऊगोनियम डिफ्रेंशियट इंटू प्लाज्म एंड प्लाज फिर क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे ऐसा करके फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी ये आपको समझ में आ गया अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा ऐसे एनसीडी और ऊगोनियम जहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ठीक है यहाँ पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जिसके हेल्प से एंट्रीडिया का न्यूक्लियस अंदर उगोनियम में माइग्रेट करेगा और दोनों न्यूक्लिया का क्या होगा फ्यूजन होगा एंजल कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा यहाँ पे मेल और फीमेल न्यूक्लिया का फ्यूजन हो जाएगा ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब ठीक है ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब दिख रही है और ये फंक्शनल न्यूक्लिया दिख रहे हैं और इनका क्या हो गया फ्यूजन हो गया फ्यूजन होगा प्लाज्मोगेमी होगी पहले फिर कैरियोगेमी होगी मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा और एट लास्ट हमें क्या देखने को मिलेगा ऊपर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो कि क्या होगा एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है ठीक है उस पोर डिप्लॉड होगा और फेवरेबल कंडीशन जब वापस से आएंगी तो ऊस पोर क्या करेगा जर्मिनेट करेगा ठीक है ऊस पोर में मियोसिस डिवीजन होगी रिडक्शनल डिवीजन होगा टू एन से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनएन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे उसकी जर्म अपनी जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जर्मिनेट करेगा और जर्म ट्यूब के फॉर्मेशन से वो जो ऊस पोर है किसी भी हेल्दी होस्ट को हेल्दी प्लांट को वापस से इन्फेक्ट कर सकता है ठीक है समझ में आया आप लोगों को सेक्सुअल साइकिल सेक्ष। बहुत ही सिंपल है कुछ नहीं है ठीक है अगर ये एग्जाम में आती है तो ईजिली आप मार्क्स ला सकते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो उसके पॉइंट होते हैं वो आप याद रखिए कि ये कौन से डिजीज कॉज करता है ग्रीन ईयर डिजीज कॉज करता है बाजरा में ये आपको याद रखना है क्या इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन किस तरीके से होता है ए सेक्सुअल प्रोडक्शन किस तरीके से होता है बस वही सब चीज याद रखनी है ठीक है एक बार फिर से मैं बता देती हूँ सेक्सुअल साइकिल कैसे होती है आप देखिए मैं सभी रेस कर देती हूँ ठीक स्टार्टिंग से देखते हैं हम क्या होगा सेक्सुअल साइकिल में सिंपलेस्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंगल लाइफ साइकिल है इसकी ठीक है देखो ये होगा आपका होस्ट प्लांट जिसमें डिजीज के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलेंगे इसमें क्या होगा माइसीलियम होगा माइसीलियम से हमें वही माइसीलियम जो अभी तक किसकी तरह बिहेव कर रहा था ए सेक्शुअल पार्ट की तरह बिहेव कर रहा था वही उसमें से ही कुछ माइसीलियम के पार्ट किस कुछ हाईपी का पार्ट किसकी तरह बिहेव करने लगेगा सेक्स ऑर्गन की तरह इसलिए हम इसको यू कार्पिक फंगस भी बोलते हैं तो ये सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करने लगेंगे यहाँ पर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा एंथीडियम का फॉर्मेशन होगा ऊ का फॉर्मेशन होगा ऊगोनियम का जो कंटेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है पेरी और ऊ में ठीक है फिर इनमें क्या होगा फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और मेल का न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा उगोनियम के अंदर फीमेल के न्यूक्लियस के साथ एग के साथ फ्यूजन करेगा फ्यूजन करेगा तो हमें पता है ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो डिप्रॉइड स्ट्रक्चर होगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी उसमें म्योसिस होगी वो जर्मिनेट करेगा जम ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और वापस से कोई हेल्दी होस्ट अगर उसको मिलता है तो उसको जाकर के वो क्या कर देगा इन्फेक्ट कर देगा बस सिंपल सी लाइफ साइकिल यही थी ठीक थी? है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आपको समझ में आया है तो मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और ऐसे ऐसे वीडियोज लेके आऊँ कमेंट करके जरूर, जरूर बताइए मुझे कि किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं कौन से टॉपिक कौन सी फंगस कौन सी एलगी कौन कोई भी टॉपिक अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो मुझे बताइए और लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने तक ही मत रखना अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी पास हो सके एग्जाम में उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके उनको भी समझ में आ सके ठीक है कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी आपको और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब करिए साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई और वीडियो डालू फ्यूचर में उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट से इम्पोर्टेंट लाइफ साइकिल आप मिस ना करें अपने एग्जाम के लिए ठीक है Okay, bye-bye. Take care and all the very best for your exam.